ब्लेसिंग्स खुश रहे खुश रखे, बुरा ना मानो होली है, होली का त्योहार विशेषकर नॉर्थ इंडियन एरिया में सेलिब्रेट होता है। इसका वैज्ञानिक अर्थ बताने के लिए, इसका ग्रहों से संबंध बताने के लिए और किस प्रकार इस होली की रात्रि को हम अपने हॉरोस्कोप के ग्रहों को डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के भस्म योग से कैसे हील कर सकते हैं, कैसे उनकी मारक क्षमता को कम कर सकते हैं और कैसे हमारी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं होली क्या है। होली के दहन, होली का दहन क्या है? होली का दहन, पीपल कलेक्ट विद द फ्रेंड्स एंड ऑल, दे कलेक्ट होली नाइट, गोबर के कंडे, गाय के कंडे, लकड़ियां मिलाकर एक जग बनाते हैं। इस 8 दिन होली अष्टक में कोई शुभ काम नहीं होते। होली रात को, होली की रात सब मिलकर होली को प्रज्वलित करते हैं। They distribute the sweets. Somebody put up the camphor, कोई कपूर लौंग डालते हैं, नारियल डालते हैं। अपने अपनी नकारात्मकता ग्रहों की, परिवार की, शरीर की सब डालते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं और उसके अगले दिन उस वातावरण को शुद्ध किए तो उसका उत्सव मनाते हैं रंगों के साथ। रंगों का त्योहार होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसा कि आप जानते हैं 7 कलर प्रधान होते हैं, विग ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी क्रम में हमारे 7 चक्र भी हैं जो हर एक रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहली चीज, हम होली की रात को ऐसा क्या करें ताकि हमारा आने वाला साल में नकारात्मकताएं खत्म हो और सकारात्मकताएं बढ़े। तो मैं 3 चीजें बता रहा हूं आपको। होली की रात को आप जो भी प्रोसेस करते हैं, जो भी गुरु के द्वारा सिखाई गई प्रोसेस करते हैं, उसको अवश्य करें। नंबर 1, अगर आप कुछ प्रोसेस नहीं जानते तो अपने स्थान पर बैठकर रात को पहले अपनी परेशानियां, चिंताएं सोचकर, जो भी आप चाहते आने वाले जीवन से, किसी कौन सी चीज आपके जीवन से हटे और कौन सी जीवन आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन सब का मनन करते हुए आंख बंद कर कुछ देर ध्यान करें। ध्यान भी उन चीजों का, भारी दुनिया की नकारात्मकताओं, जिन जिन नेगेटिविटी है उन सब का याद करें और 5-10 मिनट जरूर रात को, रात्रि विश्राम के पहले, रात्रि के शयन के पहले स्थान में बैठ के जरूर करें। और जो भी संबंधित क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं जरूर करें उस दिन। होली का त्योहार एक संदेश देकर यह जाता है कि होली का, जो कि इस वर्ष से ब्लेस थी कि उसको अग्नि भी नहीं जलाती, अग्नि भी नहीं उसको जला सकती थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्हें कहा सब जगह भगवान है, सर्वस्थ भगवान है, केवल आप में ही भगवान नहीं है। अपने अहंकार, अपने मद में उन्होंने अपनी बहन होलिका जी को अग्नि में बैठने को कहा और अपने पुत्र को दिया कि ये मेरे को नहीं मानता, इसका जिंदा नहीं रहना चाहिए। वह मान जानता था हिरण्यकश्यप की अगर होलिका बैठेंगी तो वो स्वयं तो जलेंगी, बच्चा जल जाएगा। लेकिन यहां पर एक फैक्टर आता है, इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? आपको कोई भी वरदान मिला है, कोई भी कृपा आपको मिली है, आप किस इंटेंशन से उसको कर रहे हैं? उसका होली का
जी का इंटेंशन गलत था, कोई स्वार्थ के साथ था, कोई कंडीशन के साथ था। और पहलाते का बोध बालक सर्वस्व ईश्वर देखने वाला, उसका इंटेंशन एकदम पायस था, पवित्र था। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि होलिका जी स्वयं धन हो गया उनका, वो पहलाद जी बन गए। तो इस होलिका उत्सव से हमें संदेश मिलता है कि कोई भी काम अगर नकारात्मकता को लेकर, इंटेंशन को लेकर हमारा इंटेंशन नेगेटिव होगा तो हमारा पतन निश्चित है। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो प्रभु आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, समस्त शक्ति आपके साथ है। अब होली का रात्रि का मैंने आपको बताया, जिस प्रकार चार रात्रियां प्रमुख रहती हैं, दिवाली की रात, शिवरात्रि की रात और होली की रात और पूर्णिमा राखी की रात। एकमात्र रात्र ऐसी आती है जिसमें फुल मून रहता है, बाकी तीनों रात्रियों में नो मून होता है, अमावस्या होती है। तो ये अमावस्या को आने वाली रात को आप रात को अपने बैठकर जो भी साधना कर सकते हैं वो करें। और अगर आपके पास कोई साधना नहीं है तो आप जरूर मेरा एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग जो नीचे दी गई लिंक, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन करें आप। और उसके माध्यम से उसमें एक भस्म योग है जिससे हम अपने नौ ग्रहों को कैसे हमारी स्वयं शक्ति से हम हील करें ये सिखाया जाता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। केवल आपके दो घंटे सैटरडे शनिवार, रविवार संडे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे अगले दिन जाइए और अपने जीवन में अमूल्य परिवर्तन पाएंगे आप। होली की शुभकामनाएं आपको। साथ ही होली एक संदेश और देती है जिसे कहा जाता है बुरा ना मानो होली है। तो अगर आपके जीवन में, देखिए अस्थाई शरीर है ये, सभी व्यक्तियों का अस्थाई शरीर है और जो भी हो रहा है, आपकी सांस जो चला रहा है उसके कहने पर चल रहा है, तो आपके किसी गिले शिकवे रिश्ते नाते जिससे बातचीत बंद है, क्योंकि सीमित समय आपके जीवन का है और सीमित सांसें हैं, उस सांसों में हम जब जाएं ऊपर तो कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरा ना सोचे, ना ऐसा सोचे कि हम इससे बात नहीं करते हैं। तो होली का दिन ऐसा आता है कि न बात करने वाले से भी आप फोन करके बात कर सकते हैं, बुरा ना मानो होली है कहके माफी मांगकर, एक प्रकार से क्षमा दिवस के रूप में सब गिले भूलकर सातों रंगों के एक साथ इस प्रकार जल के साथ मनाते हैं। जल किसी भी रंग में एक जैसा हो जाता है, वो लाल में लाल जैसा, हरे में हरे, वैसे ही जल के समान अपना स्वभाव बनाकर, क्योंकि शरीर में 70% जल है लेकिन अपने मन को भी जल के रूप में बनाकर, हर कलर में मिलकर, अलग अलग स्वभाव के लोगों के कलर में मिलकर एक जैसा मन के साथ एक त्योहार को सेलिब्रेट करें और आने वाला जीवन सुखी समृद्ध आरोग्य रखें। बहुत बहुत होली का पर्व की शुभकामनाएं आपको। खुश रहें, खुश रखें, आरोग्य रहें। ब्लेसिंग्स।